स्किल्स गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल। लेसन इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज डॉगनी ट्रायड। नेक्स्ट वन इज एईवी चाम कोटियस एंड थर्ड वन इज न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। आफ्टर दैट लूथर मेयर एंड मेंडेलिव साइंटिस्ट प्रपोजल दे पीरियडिक टेबल बेस्ड ऑन द एटमिक नंबर। एटमिक नंबर बेस से मेंडेलिव साइंटिस्ट ने पीरियडिक टेबल एक्सप्लेन किया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियडिक टेबल ऑफ मेंडेलिव्स। तो लूथर मेयर मेंडेलिव साइंटिस्ट दोनों इंडिविजुअली पीरियडिक टेबल को प्रिपेयर किया, बट मेंडेलिव साइंटिस्ट का फर्स्ट पब्लिश हुआ, तो इसलिए टोटल कंप्लीट क्रेडिट गोज टू द मेंडेलिव साइंटिस्ट ओनली। एंड द पीरियडिक लॉ अकॉर्डिंग टू मेंडेलिव, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मींस पीरियडिक फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ द ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मींस एटॉमिक वेट पे डिपेंड होते एलिमेंट्स को मेंडेलिव साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया। एंड मेंडेलिव वाज मोर करेजियस देन मेयर। He assumed that if a measured atomic weight of an element is placed in the wrong place in the periodic table, listen carefully. If a measured atomic weight of an element is placed in the wrong place in the periodic table, the atomic weight must be wrong. So, यहाँ पे already known element को periodic table में known weight of element को periodic table में wrong place में arrange करेंगे तो उसका properties match नहीं होगा. तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इन द पीरियडिक टेबल द एटॉमिक वेट मस्ट बी रॉन्ग। इन सम केसेस दिस वाज ट्रू। फॉर एग्जांपल, तो नॉन वेट ऑफ एलिमेंट को परफेक्ट प्लेस में पुट करना, बट परफेक्ट प्लेस में नहीं होगा तो वो प्रॉपर्टीज वो एलिमेंट के साथ मैच नहीं होगा, इसलिए वो रॉन्ग प्लेस हो जाएगा। एग्जाम्पल इज atomic weight of indium was nearly 76, means at that time indium symbol is Im and its atomic weight is 76. So atomic weight of indium was nearly 76, but this could not be placed in the periodic table between arsenic and selenium. Arsenic Ar and Se, selenium. So actually, at the time of Mendeleev's, the atomic weight of 76, indium atomic weight is 76. So 76 होगा तो ये element को arsenic selenium के बीच में रखना, depend on atomic weight. But this is wrong. The atomic weight of indium is 114.82. Means अगर उसका atomic mass भी wrong होगा तो perfect place में नहीं रह सकते, इसलिए उसको क्या कर दिया, एक्चुअली 76 एटॉमिक वेट होगा तो आर्सेनिक सेलेनियम यानी एयर आर्गन होता है, आर्सेनिक सेलेनियम के बीच में रखना है। एक्चुअली 76 वेट होगा तो, लेकिन द ओरिजिनल वेट ऑफ एटम कितना है, इंडियम 114.82, तो इसलिए इसको थैलियम इंडियम वैल्यू। तो थैलियम periodic table is reason, but this could not be placed in the periodic table between arsenic and selenium. Mendeleev suggested that its atomic weight should be 114 instead of 76. It was near to the currently accepted value 114.82. besides chemical properties of indium, it was inconsistent with the pattern defined by the known properties of aluminum. Means इंडियम 76 वेट होगा तो एक्चुअली ये दोनों एलिमेंट्स के बीच में आना चाहिए, बट ओरिजिनल वेट ऑफ इंडियम इज 114.82। दिस इज सजेस्टेड बाय मेंडेलिव साइंटिस्ट, दैट्स व्हाई इंडियम शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम गैलियम बोरान एल्यूमिनियम गैलियम एंड इंडियम थैलियम। मींस यहाँ पे एल्यूमिनियम गैलियम 13 ग्रुप एलिमेंट्स का
प्रॉपर्टीज इंडियम बता देगा और इंडियम का वर्जिनल एटॉमिक वेट इज 1142। अगर 76 की जगह पे रखेंगे तो इंडियम का प्रॉपर्टीज वो ग्रुप के साथ मैच नहीं होगा, वो रॉन्ग होता है बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। एंड सिमिलरली अनदर एग्जांपल, द वेट ऑफ पोटेशियम वाज 39.10, लेस देन एटॉमिक वेट ऑफ आर्गन 39.99। मींस पोटेशियम एटॉमिक वेट 39.10, आर्गन एटमिक वेट इज 39.95, 39.95। तो इन दोनों में से आर्गन का एटमिक वेट ज्यादा है, लेकिन तो यहाँ पे पोटेशियम को स्टार्टिंग में रखा, उसके बाद सॉरी फर्स्ट एलिमेंट इज आर्गन, देन नेक्स्ट एलिमेंट इज पोटेशियम। मीन्स आर्गन पोटेशियम के पहले ही रख दिया। रीजन एक्चुअली वे 39.95, तो इसके बाद आर्गन आना चाहिए क्योंकि 39.1 है, 39.9 नियरली इक्वल टू 940, नियरली इक्वल टू 39। तो एक्चुअली ये 39 फर्स्ट आना चाहिए, उसके बाद आर्गन नेक्स्ट आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर्टीज को प्रियोरिटी दिया। मेंडली साइंटिफिक प्रॉपर्टीज को प्रियोरिटी देने के बाद आर्गन शोज जीरो ग्रुप एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज, जीरो ग्रुप एलिमेंट का प्रॉपर्टीज बताते हैं। एंड पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स मेटल्स अल्कली मेटल का प्रॉपर्टीज बताते हैं, इसलिए पोटाशियम को फर्स्ट ग्रुप में इंसर्ट किया एंड आर्गन को जीरो ग्रुप में इंसर्ट किया। यहाँ पे वेट से वेट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज को इम्पोर्टेंस दिया। प्रॉपर्टीज आर्गन शोज जीरो ग्रुप एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज एंड पोटाशियम शोज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट प्रॉपर्टीज, दैट्स वे पोटाशियम कम्स फर्स्ट, देन आर्गन कम्स फर्स्ट एंड देन पोटेशियम, मींस 1819 बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। राइट, नेक्स्ट वन, सबसिक्वेंट स्टडी अबाउट पीरियडिक सिस्टम हैव शोन दैट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इन ऑर्डर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे जो एटॉमिक वेट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, मेंडेलीव साइंटिस्ट ने एटॉमिक वेट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो क्या हो रहा है, तो प्रॉपर्टीज मैच नहीं होगी। अगर एटॉमिक वेट मैच होगा तो प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टीज मैच होगा तो वेट मैच नहीं होगा। तो इसलिए एटॉमिक वेट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी दी। प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट मैच नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉपर्टीज कंपल्सरी मैच होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे एटॉमिक वेट को साइड पर रखे, प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी देके प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल में अरेंज किया मेंडेलीव साइंटिस्ट ने। लिसन, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इन ऑर्डर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट। फॉर एग्जांपल एटॉमिक वेट ऑफ आयोडीन इज लेस देन दैट ऑफ टेलूरियम, आयोडीन इज लेस देन दैट ऑफ टेलूरियम। तो यहाँ पे टेलूरियम ग्रुप किस ग्रुप नंबर इज ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम एंड टेलूरियम क्लोरीन, दिस इज बिलोंग्स टू 16th ग्रुप एलिमेंट, टेलूरियम 16th ग्रुप एलिमेंट्स एलिमेंट एंड आयोडीन इज 17th ग्रुप एलिमेंट। आयोडीन 17th ग्रुप एलिमेंट होता है, एक्चुअली वर्जनल क्या होता है, तो आयोडीन का वेट टेल्यूरियम से कंपेयर करेंगे तो लोअर है, लोअर होगा तो कौन सा ग्रुप में आना चाहिए, 16th ग्रुप में आना चाहिए क्योंकि एटॉमिक वेट इज लेस देन टेल्यूरियम। तो लोअर वेट होगा तो फर्स्ट आना चाहिए, हाइयर वेट होगा तो नेक्स्ट आना चाहिए। बट आयोडीन वेट इज लेस देन टेल्यूरियम, बट आयोडीन इज बिलोंग्स टू द 17th ग्रुप एंड टेल्यूरियम इज बिलोंग्स टू द 16th ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास को प्रायोरिटी नहीं दिया, ओनली प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी दिया। Atomic weight of iodine is less than tellurium, then it is put in 17th group because of the properties of iodine matches with the 17th group elements of fluorine, chlorine, bromine. तो ये chlorine, chlorine, bromine के साथ iodine का properties match होता है, तो atomic weight को strictly follow करेंगे तो ये possible नहीं होगा। तो ये weight, ये atom, iodine atom का weight tellurium से compare करेंगे तो lower रहेगा, तो भी ये 17th ग्रुप में रखा, मीन 16 के बाद 17 आएगा, एक्चुअली लोअर होगा तो 16 में आना चाहिए, बट आयोडीन 17 में गया ड्यू टू द सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड टेलूरियम, तो हमसे 16th ग्रुप टेलूरियम प्रॉपर्टीज मैचेस विद द 16th ग्रुप एलिमेंट्स।
and it was along with fluorine, chlorine and bromine in group 17 because they showed similar properties. That at that time, the basic concept of Mendeley was arranging the elements having similar properties in the same group. Similar property, same group mein arrange kiya means atomic weight ko jaise number of atom increase hote rahega, atomic weight ko strictly follow karna stop karke properties ko follow kiya. So means similar properties placed in the same group, similar groups. And next one, when Mendeley published periodic table, gallium, germanium were not known. So Mendeley jab periodic table ko publish kiya, tabhi गैलियम जर्मेनियम मींस यहाँ पे प्रिडिक्शन भी किया है फ्यूचर में जो एलिमेंट को डिस्कवर कर दें वो डिस्कवर होने वाला एलिमेंट का प्रॉपर्टीज बता दिया ऑलरेडी एलिमेंट का पोजीशन पीरियडिक टेबल में गैप छोड़ दिया मेंडेलीव साइंटिस्ट उतना डेवलप्ड पीरियडिक टेबल है गैलियम एंड जर्मेनियम गैलियम जी ए जर्मेनियम जी मींस एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव This gallium, germanium elements were not known or not discovered. And he left the gaps for unknown elements below the aluminium and silica. These two elements are not discovered at the time of Mendeley's, but he left the gap below the elements of aluminium and silica. Aluminium, silica ke beech mein yahan pe gap chhod diya. Aluminium, silica. गैप नीचे गैप छोड़ दिया नेक्स्ट एंड ही लेफ्ट द गैप बिलो द एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन एंड ही गेव द नेम फॉर दिस टू एलिमेंट्स एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिका एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिको इन संस्कृत एका मीन्स Next to the element. Eka means next. Kiske baad? Next means aluminium ke baad. Aluminium ke baad aane wala gallium and means eka aluminium. Silicon ke baad aane wala element germanium eka silicon. Name already predict kiya. Name predict kiya as well as properties ko predict kiya. Means future mein gallium germanium elements discover hoga. डिस्कवर होने वाले एलिमेंट का एटमिक नंबर इतना होगा और इसका पोजीशन एल्यूमिनियम के नीचे रहेगा एक सिलिकॉन के नीचे रहेगा और उसका प्रॉपर्टीज भी इसके साथ मैच होगा ये प्रिडिक्ट करके यहाँ पे गैप छोड़ेगा एंड नेक्स्ट वन क्वाइट सिमिलरिटीज इन सम प्रॉपर्टीज वर प्रिडिक्टेड बाय मेंडेलीव फॉर दीस एलिमेंट्स एंड द प्रॉपर्टीज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडेलीव नेम्ड गैलियम एंड gallium to eka aluminium and germanium to eka silicon thus development of periodic table mendeley's periodic table published in 1905 mein mendeley periodic table ko publish hua to yahan pe aapko three main points ko yaad rakhna padega one is based on its atomic weight ke hisab se arrange karenge to perfect properties match ho jayega group ka in case atomic weight के हिसाब से अरेंज नहीं करेंगे तो कुछ एलिमेंट का प्रॉपर्टीज रॉन्ग होगा तो ग्रुप का सेम एलिमेंट्स का सर ऑल एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज सिमिलर है एंड समटाइम्स ही गिव द प्रायोरिटी टू द प्रॉपर्टीज ओनली नॉट एटॉमिक वेट मींस एटॉमिक वेट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज को भी फॉलो किया प्रॉपर्टीज के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे एल्यूमिनियम सॉरी आयोडीन एंड टेलोरियम रेट होगा एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रिडिक्शन किया प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्शन किया एलिमेंट्स को प्रिडिक्शन किया एंड पीरियडिक टेबल में गैप भी छोड़ दिया फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर करोगे दिस ऑल आर द डेवलपमेंट ऑफ मेंडेलीव साइंटिस्ट ऑफ पीरियडिक टेबल मींस पीरियडिक मेंडेली पीरियडिक टेबल को मैक्सिमम फॉलो किया एंड दिस पीरियडिक टेबल वॉज पब्लिश्ड 1905 ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फर्स्ट वन डबर्नी ट्रायड चान पोर्टियस एंड फोर्थ वन न्यूलैंड्स ऑक्टी रूल एक्स लूथर मेयर का तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि दोनों का सिमिलर है तो इसलिए मेंडेलीव का जो पब्लिश हुआ इसलिए कंप्लीट क्रेडिट्स गोस टू द मेंडेलीव साइंटिस्ट नेक्स्ट मेंडेलीव पीरियडिक टेबल तो अकॉर्डिंग टू
Mendeleev's the periodic law is the properties of the elements of periodic function of the atomic weights. ये important है, एका लिए मैंने इका सीरी का इनका prediction किया. तो three main points हैं, very very important from Mendeleev's periodic table. And next we are going to discuss modern periodic table. This is only Mendeleev's periodic table and it was used some years only and it was completely based on atomic weight only and some properties. And now we are going to discuss modern periodic table. आपका टेक्स्ट में जो पीरियडिक टेबल दिया है वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है. मॉडर्न पीरियडिक टेबल को मोस्टली साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया. तो टोटल नंबर ऑफ साइंटिस्ट ऑब्जर्व करो, फर्स्ट वन इज डॉबरनी ट्रायर, सेकंड वन जॉन प्रोटियस, थर्ड वन यूलर्स ऑक्टेव रूल, फोर्थ वन लूथर मेयर, फिफ्थ वन मेंडेलीव, एंड लास्ट साइंटिस्ट मॉडर्न पीरियडिक टेबल वॉज प्रिपेयर्ड बाई हेनरी मोस्टली साइंटिस्ट. ओके, मॉडर्न पीरियडिक टेबल This is a very important table. तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक में जो पीरियडिक टेबल दिया है वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल. When Mendeleev developed periodic table, chemist has no knowledge about internal structure of atom. However, principles about subatomic particles were developed in the beginning of 20th century. So Mendeleev का periodic table बनाया उस टाइम पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट मींस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ पता नहीं चला. एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी दिस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड. एंड इन 1913 द इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मोस्ली ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स. ही प्लॉटेड टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स विद root nu means nu is equals to frequency of x-rays emitted by the atom. So yahan pe root nu versus atomic weight ko leke ek graph bana diya. And root nu versus nu means frequency of x-rays and versus atomic number. मीन्स यहाँ पे टू ग्राफ्स बना दिया, वन इज एटमिक वेट एंड सेकेंड वन इज एटमिक नंबर के साथ दो ग्राफ बना दिया. इसमें एटमिक वेट के साथ जो ग्राफ बना दिया वो स्ट्रेट लाइन नहीं दिया, तो एटमिक नंबर के साथ जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिया. तो हियर रूट न्यू एटमिक नंबर देन वन स्ट्रेट लाइन विल बी गिवन. तो स्ट्रेट लाइन होगा तो प्रॉपर्टीज परफेक्ट मैच होगा, एंड करूर लाइन होगा तो प्रॉपर्टीज मैच नहीं होगा. इसलिए यहाँ पे एटॉमिक वेट को कैंसिल करके एटॉमिक नंबर को क्रिएट किया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियडिक टेबल. एंड पीरियडिक लॉ वाज गिवन बाय हेनरी मोस्ली साइंटिस्ट, दैट पीरियडिक लॉ इज नोन एज मॉडर्न पीरियडिक लॉ. तो मॉडर्न पीरियडिक लॉ इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. सीन मेंडेलीव का पीरियडिक लॉ में जो एटॉमिक वेट है एटॉमिक जगह पे सिंपल एटॉमिक नंबर को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. क्लियर. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, दैट इज द मॉडर्न पीरियडिक लॉ. तो ये मॉडर्न पीरियडिक लॉ बेस करके मॉडर्न पीरियडिक टेबल को हेनरी मोस्ली साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेस वर्सेस एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर को लेके मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बना दिए. हियर वी नो दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज. ऑलरेडी एटॉमिक नंबर, तो लास्ट क्लास में एटॉमिक वेट को प्रायोरिटी करके प्रायोरिटी देके मेंडेलीव साइंटिस्ट ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बना सॉरी पीरियडिक टेबल को बना दिया. मॉडर्न पीरियडिक टेबल वॉज prepared by Henry Moseley scientist in 1913 and he gave a modern periodic law. Modern periodic law means the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic number only. यहाँ पे atomic number को mention करना है. Mendeleev में
एटॉमिक वेट को मेंशन करना है, क्योंकि कंप्लीट एटम मेंडेलिव्स पीरियडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ओनली। तो यहां पे मॉडर्न पीरियडिक टेबल, सॉरी मेंडेलिव्स पीरियडिक टेबल कंप्लीटली बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट ओनली। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल हेनरी मोस्ले पीरियडिक टेबल कंप्लीटली बेस्ड ऑन इट्स एटॉमिक नंबर ओनली, राइट। तो हियर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर ऑलरेडी व्हाट इज एटॉमिक नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज होगा। एंड देन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न पीरियडिक टेबल, दिस मॉडर्न पीरियडिक टेबल कंप्लीटली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्योंकि न्यूट्रल एलिमेंट्स है तो प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इट्स न्यूक्लियर चार्ज। The elements having similar electronic configuration in their outermost orbit, similar electronic configuration in their outermost orbit are arranged in vertical column of periodic table known as group. So, for example, according to modern periodic table, when means electronic configuration को criterion, electronic configuration of elements means electronic configuration of outermost orbital electronic configuration ko criterion outermost orbital jo आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट्स का सिमिलर होता है तो वो सबको सेम प्रॉपर्टीज रहेगा। तो सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को एक ग्रुप में बना दिया वर्टिकल लाइन में। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट्स का सेम होगा उसका प्रॉपर्टीज सब सेम रहेगा। तो सब एलिमेंट्स को एक ग्रुप में बनाया, मींस वर्टिकल लाइंस इक्वल टू ग्रुप्स, क्लियर हियर। एंड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द नंबरिंग ऑफ ग्रुप्स इज फॉर्म फ्रॉम 1 टू 18 इंस्टेड ऑफ नंबर्स व्हिच आर गिवन बाय ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड में रोमन नंबर में A1 A2 A3 A4 etcetera numbers in it. So according to modern periodic table 1 to 18 groups in total, 1 to 18 groups modern periodic table total 1 to 18 groups of that. So each group element shows similar outermost electronic configuration. Total 18 groups in 18 group mein ek ek group ka outermost electronic configuration same hai. जो एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है उस सब एलिमेंट का प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 8 ग्रुप्स है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एंड 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स है। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस 1 to 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। तो फर्स्ट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस outermost electronic configuration, brief information about periodic table. Next class we will discuss complete information about periodic table. The horizontal rows in periodic table are called periods. Horizontal rows, vertical rows are groups, these are groups, and horizontal rows are periods. The total periods are 7 and groups are 18. And there are altogether total 7 periods. To identify the periods, number are given from the top of periodic table. Thus, period 3 is the third row of elements, and period 4 is the fourth row of elements. Means period ko yahan pe numbering diya. This one is first period, second period, third period, fourth period, fifth period, sixth period, and seventh period. Means every period having one number, total periods are 7 and groups are 18 groups. These vertical lines are groups, every group having number, first group is first group element,
second number, second group, third group, fourth group, fifth group, etc. Next, this period is the third row of elements and period 4 is the fourth row of element. First period has two elements. First period has two elements and second period having 8 elements and third, first period, two elements, second period having 8 elements and third period having 8 elements and fourth period having 18 elements and fifth period also having 18 elements and sixth and seventh, sixth period having 32 elements and seventh period also having 32, but some gaps are there. Incomplete period, seventh period is known as incomplete period, but today this seventh period all be completed with the elements complete period. यहाँ पे sixth period 32 elements, seventh period 32 elements means first period having two elements, first period two elements, second period having 8 elements and third period also having 8 elements, fourth period having 18 elements, fifth period having 18 elements and sixth period having 32 elements, seventh period also having 32. This seventh period is incomplete period. And next one here, the smallest period is, first period is known as smallest period because this period having only two elements. First period having two elements, that's why this period is known as smallest period. And largest period is seventh and sixth periods are largest period because these two periods having 32 elements. Okay, we will discuss complete information about modern periodic table next class. The next class में total periodic table draw करके what is period, what is group, how many elements present in the period and groups and block wise classification किया S block, P block, D block, F block, each block and period groups we will discuss next class. तो periodic table में modern periodic table is very very important. Modern periodic table में number of questions पूछ सकते हैं. Number of question में से आपको answer करना पड़ेगा. तो number of question ऐसे रहेगा, number of elements, how many number of elements present in first period, how many number of elements present in the second period, what is the electronic configuration of first group element, last group element, etc. Number of questions will comes from this periodic table. तो periodic table को perfect आपको समझ में आएगा तो आप समझ लीजिए. तो minimum chemistry, what is chemistry आपको समझ में आएगा. तो complete information periodic table पे ये periodic table आएगी तो आपको properties तो already similar रहेगा. तो ये element का property होगा तो group का प्रॉपर्टीज पूरा सिमिलर है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट, ग्रुप इंपॉर्टेंट, पीरियड इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पीरियडिक टेबल. ओके.